ह्यूमन राइट्स फॉर पंजाब की तरफ से कुछ छात्रों द्वारा भेजे गए लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेटर में हरियाणा सरकार द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें पुलिस ने किसानों के खिलाफ वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दूसरी याचिकाओं के साथ ही इस मामले पर सुनवाई की संभावना है। कृषि कानून के विरोध में शुरुआती दिनों के दौरान हरियाणा से दिल्ली की तरफ रुख करने वाले किसानों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को भेजे गए लेटर को कोर्ट में जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। छात्रों ने अपने इस लेटर में हरियाणा सरकार द्वारा कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छात्रों के इस लेटर पर सुनवाई इसी मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ हो सकती है। इन छात्रों ने 2 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजों को एक लेटर लिखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले समेत लाठी चार्ज के संबंध में हरियाणा पुलिस की जांच कराने के निर्देश मांगे थे। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली पुलिस को निर्दोष किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने के आदेश देने की भी अपील की गई है। छात्रों ने अपने लेटर में प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत के मामलों को देखने का आदेश मांगा है। इसके अलावा सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को निर्देशित करने के लिए कहा। सभी प्रदर्शनकारी खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए धरना स्थल पर मोबाइल टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी मांग की गई है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़।